बैठो। नहीं दादी साहब, दो दो सादियां सिर पर है, घर पर बहुत सारा काम है, इसलिए इजाजत दीजिए। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके लिए हलवा फिर से बहुत जल्द लेकर आऊंगी। अच्छी बात। वीर रणवीर के कमरे में है ना? रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। बैठ बेटा, तू खुद ही बुला ला, मेरा अपना घर है। ठीक है दादी साहब। जानती है बड़ी, जब जब इसे देखती हूँ ना, मेरा मन खिल उठता है। ऐसा लगता है जैसे उसका और मेरा किसी जन्म का तो कोई संबंध जरूर है। कृष्णकल, मैं एक बात पूछूं? पूछिए। मेरे सारे फ्रेंड के पापा है, पर सिर्फ मेरे ही पापा नहीं है। गॉड ने मेरे पापा को मुझसे दूर क्यों कर दिया? उन्होंने आपके पापा को आपसे दूर इसलिए कर दिया क्योंकि आपके पापा बहुत अच्छे इंसान थे और गॉड को अच्छे लोगों की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए गॉड ने आपके पापा को अपने पास बुला लिया। मेरे सारे फ्रेंड्स ना मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे ही पापा नहीं है। वीर, मैं आपके पापा की कमी पूरी तो नहीं कर सकता, बट आई प्रॉमिस यू, जब भी आपको अपने पापा की याद आए तो आप मुझे फोन कर लेना, उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे, घूमने चलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे। तो फिर आप ही मेरे पापा क्यों नहीं बन जाते? तब मैं हमेशा हैप्पी रहूं। वीर, वीर, सुमन, वो मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूं। सुमन, उसका वो मतलब नहीं था। वीर ना समझ है, बच्चा है वो। हाँ, बच्चा ही है। लेकिन सुमन और रवि कुमार परमार का और उन्हीं का रहेगा। वीर, आपके पापा जैसा ना कोई इस दुनिया में था, ना कोई है, और ना ही उनकी जगह कोई ले सकता है, समझे आप? चलो। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर,
मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।